अंग्रेजी के महान साहित्यकार विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है। तभी तो विलियम शेक्सपियर ने ये लाइनें लिखकर भी उसके नीचे अपना ही नाम लिखा। और यही नाम है जिसने हालिया राजनीति में वो उबाल लाया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार और उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार को भी विलियम शेक्सपियर वाला ही जवाब दे दिया है कि नाम में क्या रखा है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। दरअसल सावन महीने में कांवड़ यात्रा को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में साफ तौर पर लिखा था कि दुकानदारों को दुकान पर साफ तौर पर बड़े बड़े अक्षरों में दुकान के मालिक का नाम लिखना होगा। इसकी शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हुई थी और शुरुआत पुलिस ने की थी, लेकिन फिर मुख्यमंत्री का आदेश आ गया और इस आदेश के बाद फल वाले, सब्जी वाले के ठेले से लेकर बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट के नाम बदल गए। 25 साल से चल रहा संगम ढाबा सलीम मियां का ढाबा हो गया, नीलम स्वीट्स फजल स्वीट्स हो गया, क्वालिटी स्वीट्स जफर इकबाल स्वीट्स हो गया। और ये तो दो तीन उदाहरण भर हैं। सैकड़ों दुकानों, ढाबों, रेस्टोरेंट के नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद बदले गए और उनके नाम मालिकों के नाम पर रख दिए गए। बनारस में भी प्रशासन ने फरमान जारी किया कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की दुकानों को अपने मालिक के नाम से ही दुकान का नाम रखना होगा। वहाँ ये निर्धारित किया जा रहा है कि जो भी होटल ढाबे हैं सभी साफ सफाई रखें, रेट लिस्ट अपने सामान का उस पर निश्चित रूप से चस्पा करें ताकि क्या रेट है लोगों को पता रहे, उसको लेकर कोई विवाद न हो। इसके साथ ही उस होटल का, ढाबे का मालिक कौन है, अनुज्ञापी कौन है, इनके द्वारा बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखा जाए ताकि आने वाले व्यक्ति को पता चल सके, और अगर उन पे लाइसेंस है संबंधित विभाग द्वारा तो लाइसेंस नंबर का भी उल्लेख किया जाए। ये सिलसिला उत्तर प्रदेश से शुरू होकर मध्य प्रदेश और उत्तराखंड तक भी पहुंच गया। मध्य प्रदेश में तो बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री ने कह दिया कि बागेश्वर धाम के दुकानदारों को 10 दिनों के अंदर अंदर अपने मालिकों का नाम लिखना होगा ताकि राम और रहमान वालों की पहचान हो सके। देखिए, कांवड़ की जो हमारी तैयारियां हैं इसके संबंध में जो होटल ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कांवड़ मार्ग पर लगाते हैं उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे और ऐसा न करने की स्थिति पर उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, और क्योंकि कई बार विवाद की स्थिति इससे उत्पन्न होती है उस चीज को हम लोगों के द्वारा। और फिर शुरू हुई राजनीति। विपक्ष ने नाम को हिंदू मुसलमान में बांटने की राजनीति से प्रेरित बताया, खूब हंगामा भी हुआ। जब भी बैठे बिठाए कोई काम ना हो तो उसमें कैसे नफरत का छौक लगाना है ये आपको बीजेपी की आदत बनती दिखाई देगी। कभी तो जोड़ने की बात करो, कितना तोड़ेंगे। इस देश ने आपकी इसी राजनीति को नकार कर 63 कम करके आपको बैसाखियों का सहारा दे दिया है। आरजेडी से लेकर आरएलडी तक सब इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा कानून वापस होना चाहिए। भगवान ना करे अगर एक्सीडेंट हो जाए और डॉक्टर वहां पर मुसलमान हो तो इलाज कराइएगा कि नहीं कराइएगा। खून अगर मुसलमान से लेना पड़े एक ही व्यक्ति हो तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा या मर जाइएगा। ये हिंदुओं का भी बहिष्कार करते हैं, ये किसी के सगे नहीं है, ये सिर्फ अपनी गंदी राजनीति की रोटियां सेकने का काम करते हैं। ऐसे नफरती चिंटुओं से बचना चाहिए। केंद्र की बीजेपी सरकार के सहयोगी दलों ने भी इस फैसले का जमकर विरोध किया। कांवड़ लेने वाले और उनके सेवादार सब एक ही हैं और शुरू से यहाँ की परंपरा रही, किसी ने ये नहीं देखा, किसी ने बैर नहीं किया कि हमारी सेवा कौन कर रहा है। लेकिन सर विपक्ष तो ये पहचान करके चिन्हित करने की जो बात है वो मेरी समझ में नहीं आती। और मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके कहा कि अल्पसंख्यकों की पहचान के जरिए उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। इसके अलावा टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी सुप्रीम कोर्ट में नाम बदलने के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की और कहा कि ये भेदभाव है। एनजीओ की ओर से वकील सीयू सिंह और महुआ मोइत्रा की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की। दोनों वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने इस मामले पर फैसला देते हुए कहा कि दुकान मालिकों के नाम लिखने के आदेश पर अदालत अंतरिम रोक लगाती है और अब इस मामले की सुनवाई 26 जुलाई को होगी। दुकानदारों को अपनी दुकान पर यह साफ साफ लिखना होगा कि उनका खाना शाकाहारी है या मांसाहारी।
इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार और उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि दुकानों के नाम वाले आदेश के बाद से ही इन तीनों ही राज्यों यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में हिंदू बनाम मुस्लिम की एक अलग ही बहस छिड़ गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने इस पूरी कवायद पर पानी फेर दिया है। अभी के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।